बसमिल्ल डियर स्टूडेंट आज हम केमिस्ट्री क्लास नाइन्थ के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन इम्तिहानी नुक्ता नज़र के लिहाज से बहुत अहम है पहला क्वेश्चन है डिफ़ाइन बायो राइट इट्स स्कोप बायो क्या है और इसका स्कोप क्या है द ब्रांच ऑफ कैमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदार चीज़ों में पाए जाने वाले सब्सटेंस की स्ट्रक्चर उनकी कंपोजिशन और उनके केमिकल रिएक्शन की स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं बायोकेमिस्ट्री में हम जानदार चीज़ों में पाए जाने वाले सब्सटेंस की साख्त उनकी बिनावट और उनके केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदार चीज़ों के जिसम के अंदर होने वाले तमाम केमिकल प्रोसेस की स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं हम बायोकेमिस्ट्री में जानदार चीज़ों के अंदर होने वाले केमिकल प्रोसेस की स्टडी करते हैं स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हैज़ एप्लीकेशन इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर बायो की मेडिसिन के फील्ड में और फूड साइंस और एग्रीकल्चर में अप्लीकेशन हैं क्वेश्चन नंबर टू अटोमिक नंबर एंड मैस नंबर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड अटोमिक नंबर एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं इट इज़ रिप्रेज़ेंटेड बाय कैपिटल जी इसको कैपिटल जी से जाहिर किया जाता है न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है अगर किसी एटम में टेन प्रोटॉन हो तो हम कह सकते हैं कि उसका अटोमिक नंबर टेन है या किसी एटम का अटोमिक नंबर अगर टेन है तो हम तो हमें मालूम है कि उसमें टेन प्रोटॉन होंगे बिकॉज ऑटामिक नंबर इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। मैस नंबर सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ़ एन एटम इज़ कॉल्ड इट्स मैस नंबर न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मैस नंबर कहते हैं न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मैस नंबर कहते हैं इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए इसको कैपिटल ए से ज़हर किया जाता है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता क्वेश्चन नंबर थ्री ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है व्हाट इज़ मालिक्यूलर ऑन एंड हाउ इट इज जेनरेटेड ए मालिक्यूल्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड मालिक्यूलर है मालिक्यूल के ऊपर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको मालिक्यूलर आयन कहते हैं जब भी कोई मालिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो मालिक्यूलर कैटाइन बनता है और जब भी कोई भी मालिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको मालिक्यूलर अनायन कहते हैं इट इज़ फाउंड बाय द आयोनाइेशन ऑफ ए मालिक्यूल बाई पासिंग हाई एनर्जी रेज फ्राम गैस प्रजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब तो डिस्चार्ज ट्यूब में मालिक्यूल जो कि गैस फॉर्म में होता है उस गैस में से अगर हाई एनर्जी वाली रेज पास की जाए तो मालिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है इस तरह मालिक्यूल की आयोनाइेशन हो जाती है और मालिक्यूलर आयन जनरेट हो जाता है इट इज़ अ रिएक्टिव स्पीशीज ये बहुत ही रिएक्टिव होता है जब मालिक्यूलर आयन बन जाता है तो वो बहुत रिएक्टिव हो क्वेश्चन नंबर फोर प्लम पुडिंग थ्योरी According to this theory, atoms were solid structures of positive charge with tiny negative particle stuck inside. It is like plums in pudding. इस theory को Thomson ने पेश किया था इस theory के मुताबिक atom positive charge पर मबनी एक solid structure है जिसमें छोटे छोटे negative charge वाले particles stuck होते हैं यानी इस थ्योरी के मुताबिक एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इकट्ठे एक ही जगह पर मौजूद होते हैं लेकिन ये बाद में पता चला था कि पॉजिटिव यानी प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर शेल में मौजूद होते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव राइट नेचर ऑफ चार्ज ऑन रेज़ कैथोड रेज पर कौन सा चार्ज होता है कैथोड रेज कैरीज नेगेटिव चार्ज कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज होता है कैथोड रेज पर कौन सा चार्ज होता है कैथोड रेज कैरीज नेगेटिव चार्ज कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज होता है शेल एंड सबशेल

हम कह सकते हैं कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन हो सकता है इन रीजन को शेल कहते हैं फर्स्ट शेल को के शेल कहते हैं जो कि न्यूक्लियस के करीब तरीन होता है दूसरे शेल को एल शेल और तीसरे शेल को एम शेल कहते हैं चौथे शेल ओ शेल कहेंगे और इसी तरह ये मज़ीद जारी रहेगा हम इस तरह ओ के बाद जो है वो नेक्स्ट जो अल्फाबेटिकल वर्ड आता है वो नाम देंगे ईच शेल हैज़ फर्दर सब एनर्जी लेवल इन इट दीज सब एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड सब शेल हर शेल मज़ीद छोटे एनर्जी लेवल में डिवाइड होता है इन एनर्जी लेवल को सबशेल कहते हैं इसकी एग्जाम्पल है एस पी डी एंड एफ सबशेल एस सबशेल में मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पी सबशेल में मैक्सिमम सिक्स इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं डी सबशेल में मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग कार्बन डेटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स फोसल बाई महीरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 इन दैम इट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डेटिंग और कार्बन डेटिंग सबसे पहले हम फोसल को डिस्कस करेंगे फोसल उन जानदारों के बाक़ियात को कहते हैं जो लाखों साल पहले तो मौजूद थे लेकिन माहौल में तब्दीली की वजह से अब उनके बाक़ियात मौजूद हैं जो कि ढांचों की सूरत में हैं पुराने ऑब्जेक्ट की उम्र मालूम करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किए जाता है उसकी बुनियाद रेडियो एक्टिव आइसोटोप की हाफ लाइफ पर होता है कार्बन डेटिंग में ऐसे फोसल्स जिनमें कार्बन मौजूद होता है उनकी उम्र कार्बन फोर्टीन रेडियो एक्टिव इस्तेमाल करके मालूम की जा सकती है क्वेश्चन नंबर नंबर सेवन यूजेस ऑफ यूरेनियम टू थर्टी फाइव यूरेनियम टू थर्टी फाइव is used to generate electricity by carrying out controlled nuclear fission reaction in nuclear reactor when uranium-235 is bombarded with slow moving neutron the uranium isotope breaks to produce barium-139 and krypton-94 and 3 neutrons अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज विच इज़ यूज टू कन्वर्ट वाटर इन टू स्टीम इन दॉयलर दिस स्टीम ड्राइव द टर्बाइन टू जेनरेट एलक्ट्रिसिटी दिस इज दीसफुल यूज ऑफ अटोमिक एनर्जी यूरनियम टू थर्टी फाइव आइसोटोब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है जब यूरनियम टू थर्टी फाइव आइसोटोप पर स्लो मूविंग एलेक्ट न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट की जाती है तो ये यूरेनियम टू थर्टी फाइव आइसोटोप टूटकर बैरियम और क्रेप्टॉन में तब्दील हो जाता है और साथ ही में तीन न्यूट्रॉन और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है ये एनर्जी बॉयलर में मौजूद वाटर को भाप में तब्दील कर देती है जो कि टर्बाइन को चलाती है और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल डुप्लेट रूल द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेट टू इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल वैलेंस शेल, लास्ट शेल को कहते हैं किसी भी एटम के आखिरी शेल को वैलेंस शेल कहेंगे वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन का हसूल डुप्लेट रूल कहलाता है वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन का आ जाना डुप्लेट रूल कहलाता है ऑक्टेट रूल द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेट एट इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल इज कॉल्ड रूल वैलेंस शेल में आठ इलेक्ट्रॉन का हसूल ऑक्टेट रूल कहलाता है क्वेश्चन नंबर टेन व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट क्या है द डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्स एक्सटेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइंग बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल न्यूक्लियस और आखिरी शेल यानि वैलेंस शेल के दरमियान जो शेल मौजूद होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल पर कशिश की फ़ोर्स को कम करते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद होते हैं जिस पर जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रॉन जो कि लास्ट शेल में मौजूद होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है इस तरह न्यूक्लियस आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है अब चूंकि न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है और यूँ नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एटम का साइज़ बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल पर कशिश कम हो जाती है इस इफ़ेक्ट को शील्डिंग इफ़ेक्ट कहते हैं